Hello, good morning students. Today this is our last topic, that is division of integers. Now today we will complete our first chapter. इसका टेस्ट भी होगा, उसको आप अच्छे से रिवाइज चैप्टर रिवाइज करके अच्छे से टेस्ट भी दे देना. सो लेट्स लर्न व्हाट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. आप लोगों ने इसके पहले सीखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसका वही रूल होगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे 15 डिवाइड बाय 3. ये आपको पता है क्या है, इसमें दोनों नंबर कैसे है पॉजिटिव. सो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर विल बी पॉजिटिव. मल्टीप्लाई वाले ही रूल आपको याद रखने हैं, प्लस 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 होता है. तो 15 डिवाइड बाय 3 विल बी 5. इफ आई टेक माइनस 15 डिवाइड बाय 3, सेम एग्जांपल लेती हूँ मैं, साइन चेंज करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब यहाँ पे भी देखो 15 डिवाइड बाय 3 5 आता है, लेकिन साइन कौन सी आएगी, मल्टीप्लाई वाला ही रूल, माइनस प्लस माइनस. एक माइनस की साइन है ना, तो यहाँ लग जाएगी, दोनों होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता. माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 5 इज योर आंसर. अगर ये माइनस की साइन 3 के साथ होती, देखो 3 के पास होती तो क्या होता, 15 डिवाइड बाय 3 5, प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस नंबर है हमारे पास, तो प्लस माइनस माइनस. तो क्या समझ में आया आपको, कोई भी एक नंबर के पास माइनस की साइन होगी तो आंसर माइनस आएगा, चाहे आगे वाला नंबर हो चाहे पीछे वाला नंबर हो, एक ही माइनस की साइन है ना, तो आंसर माइनस आएगा. अब कौन सा एग्जाम्पल बाकी रहा, यस माइनस माइनस प्लस वाला. देखो माइनस 15 डिवाइड बाय माइनस 3 क्या आएगा, 15 डिवाइड बाय 3 तो 5 लिखी दो, फिर साइन सोचो, माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस थे तो चले गए उड़ गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आंसर 5 आ गया. ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ जाना है, जो मल्टीप्लाई में करते थे वही डिवीजन में करना है. सो ये वाले रूल याद करके हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4. अब उसमें 1.4 में ए बी और सी आप लोग ये वाले रूल देखे इजीली सॉल्व कर सकते हो. बी भी इजी है, पर मैं आपको बी से एक्सप्लेन करूंगी. So our question D is, now you can see here on the blackboard I have written, minus 49 divided by 49. So 49 divided by 49 you will get 1, and minus plus minus, so answer is minus 1. So easy. Number E, अब देखो 13 divided by, पहले ये bracket वाला answer solve करेंगे. तो माइनस 2 प्लस 1, अब ये फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल याद करना पड़ेगा आपको, कि ये माइनस है ये प्लस है, मतलब माइनस प्लस माइनस, मतलब माइनस करना है, दोनों डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा 2 माइनस 1 1, और बड़ा नंबर है माइनस, माइनस 2 है ना बड़ा, तो यहाँ बड़े की साइन लगेगी, तो यहाँ आएगा माइनस 1. अब डिविजन वाला रूल फिर से कैसे, 13 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 13 ही होता है, प्लस माइनस माइनस, सो योर आंसर इज माइनस 13. एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, 0 डिवाइड बाय माइनस 12, जैसे मल्टीप्लाई में 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर 0 आता था, वैसे ही डिवीजन में भी 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा आंसर विल बी 0. ठीक है, 0 इस तरह से है, इसलिए आंसर विल बी 0. अगर उल्टा होता, 0 नीचे आता तो आंसर 0 नहीं आता है, आंसर आता है इनफाइनाइट. क्या आता है, इनफाइनाइट, वो आपको बाद में समझ में आएगा, पर ध्यान में रखना है 0 इस तरह से हो, 0 यहाँ होता तो आंसर इन्फिनेट आता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 0 आगे है, 0 डिवाइड बाय माइनस 12, सो आंसर इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर
अब ये माइनस 31 डिवाइड बाय, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, माइनस 30 प्लस माइनस 1, तो माइनस 30 प्लस माइनस साथ में आए तो उसको एक साइन बना लो, प्लस माइनस माइनस 1, फिर इसको आगे इधर ले जाती हूँ, माइनस 31 ये वाला डिवाइड माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों नंबर को प्लस करो, 31 हो जाएगा और बड़ी की साइन माइनस, तो इस तरह से। अब फिर डिवाइड करो, 31 डिवाइड बाय 31 1 एंड माइनस माइनस प्लस, सो यू विल गेट आंसर 1। अब h देखो, यहाँ ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी सम आ गए और डिवाइड मल्टीप्लाई सारे रूल आपको साथ में याद रख के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट पहले आ गया, देखो यहाँ बाद में था तो वो नंबर हमने सॉल्व किया, तो पहले इसको सॉल्व करो। डिवाइड है 36 डिवाइड बाय 12 3 माइनस प्लस, 36 माइनस है, 12 प्लस है, मतलब माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर आ गया माइनस 3। फिर ये वाला डिवाइड 3 दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करो, माइनस 3 डिवाइड बाय 3, मतलब 3 डिवाइड बाय 3 तो 1 होता है लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आंसर इज माइनस 1। एंड लास्ट वन आई, अब दोनों ब्रैकेट है तो दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, माइनस 6 प्लस 5 विल बी माइनस 1 डिवाइड माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, अब माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 तो 1 डिवाइड बाय 1 एंड माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1। सो दिस इज योर क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। अब इसमें क्वेश्चन 2 जो है, इट इज वेरीफाई दैट, अब ये जो दिया है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर प्रूव ये करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट यूजफुल फॉर डिवीजन, मतलब ये कहना चाहता है कि दिस विल नॉट बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। आपको करना है तो सॉल्व कर सकते हो, बाकी नोटबुक में वो नहीं करना है, आपको ऐसे ही नॉलेज के लिए करना है तो रफ में कर लेना, क्वेश्चन 3 से हम बाद में करेंगे।